इज नॉट इक्वल टू जीरो।
not zero. So x plus 1 is not a vector of p x. Okay, yes ma'am. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, थर्ड पार्ट जो भी आपको होमवर्क में करना है, उसके बाद में आपके पास फोर्थ फोर्थ पार्ट में हमने पीएस की वैल्यू लिखी है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, और जी एक्स आपका सेम है एक्स प्लस वन. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फोर्थ जी एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे माइनस वन. ठीक है, इफ जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स देन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p minus 1 must be 0. p minus 1 को क्या होना चाहिए, 0. फिर क्या करेंगे, put x equals to minus 1 in px. px के अंदर क्या करोगे, x की वैल्यू minus 1 रख दो, रखिए इसमें p minus 1 equals to minus 1 whole cube minus माइनस वन स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू में माइनस वन और प्लस में रूट टू. ठीक है, माइनस वन का और पावर है तो माइनस वन रहेगा, माइनस पे वन की पावर टू है तो ये प्लस का वन बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर. फिर इसके बाद क्या करेंगे, माइनस का इंटू इस माइनस वन से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का वन. देखो इस माइनस का इंटू इस माइनस से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का वन और रूट टू प्लस रूट टू. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस वन ऐड हो जाएंगे माइनस के टू. फिर हम क्या करेंगे, इस वन का इंटू इससे करेंगे प्लस के टू, फिर इस वन का इंटू इससे करेंगे प्लस के रूट टू, फिर प्लस में रूट टू. माइनस टू से प्लस टू भी कट जाएगा, आपके पास ये भी वन रूट टू, ये भी वन रूट टू, क्या आ जाएगा, टू रूट टू. पी माइनस वन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, टू रूट टू. तो इसका मतलब पी माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. पी माइनस वन किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है. दैट मीन्स हैंस रिमाइंडर is not zero, so x plus 1 is not a vector of px. अगर remainder 0 नहीं है तो x plus 1 भी px का vector नहीं. Okay student? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही करना है. दैट कैसे, अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है तो जीरोस की वैल्यू, जी एक्स के जीरोस की वैल्यू जब हम पी एक्स में रखेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ सॉल्यूशन देखिए, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स देन बाय
should be 0. P minus 1 plus निकाला, जब आप इस 1 को इधर लेके आओगे तो आपके पास ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1. तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले x plus 1 equals to 0 और इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो x equals to minus 1. हमने minus 1 तो ये वाला लिखा है, ठीक है. Put x equals to minus 1 in px, ठीक है. px के अंदर minus 1 वैल्यू पुट कीजिए. p minus 1 equals to 2 minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 और minus k 1. Solve कीजिए. p minus 1 equals to 2 into minus 1 का cube करेंगे, minus 1 ही रहेगा. फिर plus minus 1 का square करेंगे, plus 1 बन जाएगा. minus 1 का into minus 2 से करेंगे, plus k 2 आ जाएंगे और बाद में क्या है, minus 1. Solve कीजिए. minus का into plus से करते हैं, minus k 2, फिर plus 1, plus 2, minus 1. plus plus वालों को add करो, minus वालों को add करो, आपके पास क्या आ गया, plus k 3, minus k 3, दोनों कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 0. p minus 1 की value आपके पास क्या आ गई, 0. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p minus 1 equals to 0, so x, क्या लिखेंगे, so gx is factor of px. यही आपको क्या करना था, find करना था. Next है आपके पास part number second. Part number second में px आपको given है x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and gx आपको given है x plus 2. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, gx equals to 0 put करेंगे. Put gx equals to 0, then x plus 2 equals to 0 और यहाँ से x की value निकालेंगे minus 2. ठीक है, if gx equals to x plus 2 is factor of px, then by factor theorem p minus 2 must be 0. p minus 2 को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. कीजिए, put x equals to minus 2 in px. px के अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर दो, minus 2. जब आप x के अंदर px के अंदर वैल्यू पुट करोगे minus 2, देखिए क्या आएगा, p minus 2 equals to minus 2 raised to power 3 plus 3 into minus 2 raised to power 2 plus 3 into minus 2 plus 1. आपने वैल्यू पुट की, सॉल्व कीजिए. p minus 2 equals to minus की वैल्यू को जब आप क्या करते हो, क्यूब करते हो तो आंसर माइनस में ही आता है. क्यूब का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 3 into minus 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और minus और प्लस का इनटू करेंगे 3 2 जा 6 plus 1. यहां से आपके पास minus 8, 3 4 जा 12 minus 6 plus 1. यहाँ पे minus के ये दोनों हैं, इन दोनों को add कीजिए, minus के 14 और plus के 30. आपके पास value क्या आ गई, minus के 1. ठीक है, p minus 2 की value आपके पास आ गई minus के 1. इसका मतलब p minus 2 0 के equal नहीं है. ठीक है, अगर p minus 2 0 नहीं है then क्या लिखेंगे, then gx equals to x plus 2 is not a factor of px. ठीक है, px equals to x cube minus 4x square plus x plus
थ्री, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई थ्री। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ g x इक्वल्स टू x माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ p x, देन बाय फैक्टर थ्योरम p थ्री इज मस्ट बी जीरो। पी थ्री को क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू थ्री इन पी एक्स के अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे थ्री। पुट कीजिए, पी थ्री इक्वल्स टू थ्री रेज टू पावर थ्री माइनस फोर इंटू थ्री रेज टू पावर टू प्लस थ्री इंटू प्लस सिक्स। ठीक है, सॉल्व कीजिए, थ्री रेज टू पावर थ्री आपके पास क्या हो जाएगा, थ्री थ्री नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन माइनस फोर इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स, ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स। प्लस के आपके पास क्या आ जाएंगे थर्टी सिक्स, माइनस के भी आपके पास क्या है थर्टी सिक्स, ये दोनों जीरो बन जाएंगे करके आपके पास p3 की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। ठीक है, क्या आप क्या लिखोगे, p3 इक्वल्स टू जीरो सो gx इक्वल्स टू x माइनस थ्री इज फैक्टर ऑफ px, और यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था कि ये सभी px के फैक्टर हैं या। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ p x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट है आपके पास p x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस k। आपको पहले से क्या दे रखा है, x माइनस वन जो है वो p x का फैक्टर है। अगर x माइनस वन p x का फैक्टर है देन g x इक्वल्स टू x माइनस वन। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी आपके पास वन। ठीक है, पहले से क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर पी एक्स का एक्स माइनस वन फैक्टर है देन एक्स इक्वल्स टू वन इज जीरोस ऑफ पी एक्स। इसका जीरोस होना चाहिए, पी एक्स का जीरोस होना चाहिए। देन आप क्या लिख सकते हो, एंड बाय फैक्टर थ्योरम पी वन इक्वल्स टू जीरो। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर वन एक्स इक्वल्स टू वन पी एक्स का जीरोस है तो आप जब x की वैल्यू 1 px के अंदर रखोगे तो x px किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। p1 रखा, वैल्यू रखी और इक्वल्स टू 0 रखा, इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। आपके पास 2 प्लस k इक्वल्स टू 0 और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस k 2। ये आपका क्या है, इसका आंसर। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है आपका px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2। ठीक है, इसका भी फैक्टर क्या है, x माइनस 1, देन आप क्या करोगे gx इक्वल्स टू क्या रखोगे, x माइनस 1। यहां से हम gx की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, आपको पहले से क्या गिवन है, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अगर ये px का फैक्टर है देन अगर आप x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे इज 0 ऑफ px।
बिलोंग्स टू जीरो। इसको इधर लेके जाइए, के प्लस रूट टू इक्वल्स टू माइनस टू। फिर इस टू को भी इधर लेके जाइए, रूट टू को, के इक्वल्स टू माइनस टू माइनस टू। माइनस को कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के टू प्लस रूट टू। यही आपके पास क्या है, ये की वैल्यू है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर थर्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। यहां से एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे वन, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा है कि एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो क्या लिखेंगे, इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स then by factor theorem p1 equals to 0। p1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। पुट कीजिए, पुट x equals to 1 in px, तो आपके पास क्या हो जाएगा, k into 0 k into 1 वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल्स टू जी, ठीक है। के का इंटू वन के स्क्वायर से करेंगे, के आएगा माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। यहां से आप इन दोनों को इधर लेके जाइए, तो के की वैल्यू आ जाएगी रूट टू माइनस वन, और यही आपके पास क्या है इसका। इसके बाद है आपके पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी जी एक्स आपको क्या गिवन है, एक्स माइनस वन। तो यहां पे एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू वन निकालिए, ठीक है। अगर जी एक्स आपके पास इसका फैक्टर है, इफ एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन by factor theorem क्या होना चाहिए, p1 equals to 0, one value put कीजिए, put x equals to 1 in px, px के अंदर one value put कीजिए, आपके पास आ जाएगा k into 1 का square minus 3 into 1 plus k equals to 0, k माइनस थ्री प्लस के इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। k में k को ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, टू के इक्वल्स टू थ्री। इस थ्री को इधर लेके जाएंगे, फिर यहां से आप k की वैल्यू निकालोगे थ्री अपॉन टू, यही आपके पास क्या है इसका आंसर, ठीक है बच्चों।